अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्ते, कोणार्क पंहिंजो शहर पंहिंजो ॻाल्हियूं, या न त कोणार्क अपना शहर अपनी बातें जे अॼु जे सिंधी न्यूज़ एपिसोड में तव्हांजो स्वागत आहे। अचो ॾिसूं असांजे आसपास जे परिसर में ऐं असांजे पंहिंजे शहर में कहिड़ियूं गतिविधियूं आहिनि। अचो हिकु नज़र विझूं असांजे शहर जे सामाजिक ऐं राजनीतिक गतिविधियुनि ते ऐं शुरूआति कयूं अॼु जे एपिसोड जी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। शहर जे मशहूर सिंधू नगर ट्रेन जे टाउन हॉल में 8 दिसंबर ते श्री गोविंद स्कूल पारां हिकु एनुअल प्रोग्राम रखियो वियो, ऐं जिते इन स्कूल जे ॿारनि केतिरा ई रंगारंगी कार्यक्रम पेश कया, जंहिंमें डांस परफॉर्मेंस हुया। ऐं हितां जा चीफ गेस्ट हुया मुलन जा MLA BJP पारां श्री सरदार तारा सिंह जी, गॾोगॾु हिते शहर जी MLA ज्योति पप्पू कालाणी बि मौजूदु हुई। अचो तव्हांखे वठी था हलूं ॿारनि जे परफॉर्मेंस ते ऐं ॾिसूं था छाए चवण गणमान्य हस्तियुनि जो। आज मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम का स्कूल में आने का अवसर मिला। मैं बहुत कम बार के कार्यक्रम लेता हूँ, क्योंकि मुझे मुलन भानू पे ही इतने कार्यक्रम मिलते हैं कि मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात के 10 बजे घर जाता हूँ। 12-13 घंटे मैं लगातार काम करता हूँ, और 12-13 घंटे काम करने के बाद इसलिए पब्लिक ने मुझे 4 बार MLA और 4 बार नगर सेवक बनाया। इसका एक ही कारण है कि मैं जनता का हर काम करने का प्रयास करता हूँ। उसी तरीके से आज हमारे ये प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी मैडम साहब, इन्होंने मुझे बोला कि सरदार जी आपको आना है, तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत के साथ इनके माता पिता ने इनको आशीर्वाद दिया था कि सरदार जी आप दोनों मिलके यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम का स्कूल खोलना है, तो मेरे मन में भी आया कि जब इनके माता जी ने कहा, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, पर तो उन्होंने कहा कि सरदार तारा सिंह को स्कूल में लाना है, इसलिए मैं आज स्कूल में आया। यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया गया कार्यक्रम, हर कम्युनिटी का कार्यक्रम उसमें देखने को मिला, जैसे क्रिश्चन लोगों का, हिंदुओं की होली का, ईद मुसलमानों का, हर तरह का प्रोग्राम मुझे देखने को मिला, और इसलिए मैं इनका हृदय से अभिनंदन करूँ। इसके बाद सरदारों का बांग्ला डांस भी है,
मैं तो चाहता था अगर मेरी तबीयत बराबर होती है तो मैं भागना डांस भी करके जाता। इस तरीके से मैं इनको फिर से कह के जाता हूँ कि भगवान करे ये आपका स्कूल और बढ़े। आज छोटे शहर में अगर है तो वहाँ बिल्डिंग बने, और वो बिल्डिंग बनेगी जब तो फिर मैं वापस एक बार यहाँ पे आऊँगा। और उल्लासनगर की सभी जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इतना अच्छा स्कूल आपको मिला है, आपके बच्चे, आपका आशीर्वाद इस स्कूल को मिलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी उनके स्कूल की जो यहाँ एनुअल फंक्शन रखा गया है उसमें हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर मोस्ट आमदार जो हैं सरदार तारा सिंह जी, जो चार दफ़ा चुने गए हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं, इन्होंने ये स्कूल के ऊपर कृपा की है और उनकी यहाँ पे पैर हमारे शहर में आए हैं और ये स्कूल हमेशा बढ़ता जाएगा, तरक्की करेगा, आसमान की बुलंदियाँ छुएगा। और हम आपको यह प्रॉमिस करते हैं कि यह स्कूल ज़रूर बिल्डिंग बनेगी और बहुत बड़ा स्कूल बनेगा और आपको एक बार फिर से हम यहाँ बुलाएंगे। आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। यह जो स्कूल है, हमारी जो मैडम, जो हमारी फाउंडर मैडम मिसेज सोहन कौर मानकू, उन्होंने एक ड्रीम देखा था और उस ड्रीम को उनके सुपुत्र सरदार हरप्रीत सिंह और उनकी वधू मिसेज सुखविंदर कौर मानकू और हमारी मैनेजिंग कमेटी उनके सपनों को साकार कर रही है। धीरे धीरे आज हमारा स्कूल ग्राउंड लेवल पे है, लेकिन अगर ऐसा ही सहयोग समाज से मिलता रहा, पेरेंट्स से मिलता रहा, तो हमारा स्कूल निश्चित रूप से, जैसे सरदार तारा सिंह ने और मैडम ज्योति मैडम ने बोला, निश्चित रूप से अपनी बुलंदियों को छुएगा और समाज को एक अच्छी शिक्षा संस्था के रूप में यह बन के दिखाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। श्रीमती सोनिया गांधी जी जन्म उत्सव के मौके ते असांजे शहर सिंधु नगर में भी कांग्रेस शहर जिला कमेटी पारा सेंट्रल हॉस्पिटल में गरीब गुरबन ए मरीजन के फल वितरण जो प्रोग्राम आयोजित करण वयो। इते केतरन ही गरीबन के ए गुर्जाओं के जरूरत जो शयूं ए फल विराया वया। अचो दिसूं था इन जी का रिपोर्ट। हमारी कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है, उसी प्रकार से उल्लासनगर शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से और सेंटर ब्लॉक कमेटी के तरफ से यहाँ पर उनका जन्म दिवस मनाया गया केक काटकर। और इस उपलक्ष्य में जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल के जो हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्स और जो हमारे उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, गरीब हैं, गरजू हैं, ऐसे सभी लोगों को फल वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर कांग्रेस के तरफ से किया गया। और जहाँ तक सोनिया गांधी का सवाल है, सोनिया गांधी वो एक महिला हैं जिन्होंने संपूर्ण देश की जनता, किसी भी मजहब की क्यों ना हो, किसी भी धर्म की क्यों ना हो, सभी को न्याय देने का काम उन्होंने किया है, सभी के संपूर्ण देश की जनता के साथ ये चले हैं। और ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस साधारण तरीके से यहाँ पर हमने मनाया और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से सभी कांग्रेसी मनाते रहे और परमेश्वर उनकी आयु लंबी दे, जिससे कि देश की जनता का वो सहयोग करती रहे, जे देश की जनता का विकास करती रहे। आज मैडम सोनिया गांधी जी का जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ता महिला और हमारी परवारी चंद्रकांत नायडू जी और सभी हमारे कार्यकर्ता सभी जमा हुए और हमने सेंट्रल हॉस्पिटल में मैडम के जन्मदिन पर गरीबों के लिए जो फल बाँटप का कार्यक्रम किया है, सबसे आशीर्वाद ले आए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी आगे बढ़ें और अपने देश की उन्नति करें और सब देशवासियों के लिए सहयोग करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ए टेऊराम आश्रम जे पारा जनता जनार्दन परिषद इन लेबल हेठ केतरा ही सेवा कार्य कया वेंदा आहिनि। हर साल वांगुर हिन साल भी
31 दिसंबर ते सामूहिक शादियुनि जो आयोजन हिते कयो वियो आहे। जिन भी गुर्जाउनि खे ज़रूरत हुजे या जिन भी माइटनि पंहिंजा ॿार मंगाया हुजनि ऐं ज़रूरत आहे उन्हनि खे सामूहिक कार्यक्रम में पंहिंजे ॿारनि जी शादी कराइण जी, त उहे पंहिंजा नाला 6 खां 8 बजे ताईं स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में रजिस्टर कराए सघनि था ऐं इन जो लाभ वठी सघनि था। इन ते वधीक जानकारी ॾेई रहिया आहिनि हितां जा हर्ताकर्ता डॉक्टर दयालाशा। अचो डॉक्टर दयालाशा खां ॼाणूं त कीअं तव्हां इन सेवा जो लाभ वठी सघंदा आहियो। हर साल जा जनता जनार्दन परिषद तरफ़ां सदगुरु स्वामी शांतिपाल महाराज, स्वामी देवपाल महाराज जे आशीर्वाद सां सामूहिक शादियुनि जो आयोजन कयो वेंदो आहे। इहो आयोजन हिन साल 31 दिसंबर आरितवार ॾींहुं सुबुह जो 10:30 बजे स्वामी टेऊंराम धर्मशाला में कयो वियो आहे। सामूहिक शादियूं हिकु समाजिक क्रांति आहे। वक़्त जो बचाव, बिना पैसे बिना ख़र्च जे माइट पंहिंजे ॿारनि जूं शादियूं समूह लॻनि में कराए सघनि था। कंहिं हिकु पैसो बि ख़र्चणो न आहे, खाली हथे ईंदा, ख़ूब भरिजी वेंदा प्रभु जे कृपा सां। तंहिं करे सिंधु नगर वासियुनि खे अपील आहे त पंहिंजनि ॿारनि खे मंगाए शादी कराइणु चाहिनि त जनता जनार्दन परिषद जे ऑफिस स्वामी टेऊंराम आश्रम में शाम जो 6 खां 8 ताईं नाला लिखाए वञनि, त बिना तकलीफ़ जे बिना ख़र्च जे उनजे ॿारनि जूं शादियूं थींदियूं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां सिंधु नगर 5 जो स्वामी शांति प्रकाश हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम ऐं सिंधी मीडियम जे सहकार सां हिकु इंटर स्कूल साइंस एग्ज़िबिशन यानी त विज्ञान प्रदर्शनीअ जो आयोजन थींदो आयो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि इन प्रदर्शनीअ जो कल्ह आयोजन थियो ऐं उद्घाटन थियो। रिबिन कटे संतनि जे हथां स्वामी देव प्रकाश महाराज, शहर जी मेयर मीना एलाणी ऐं नगर सेविका रेखा ठाकुर जे हथां। अचो तव्हांखे वठी था हलूं इन तालुका लेवल जी इंटर स्कूल एग्ज़िबिशन कॉम्पिटिशन में। इसमें हर चीज़ सिर्फ सोलर से चलेगी। आज हम पेट्रोल डीजल पर कार यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह अगर मैं ये कार इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करूं और इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की बजाय अगर मैं कार के ऊपर ही बनाऊं तो बेस्ट हो सकता है। तो ये सोलर पैनल है जो वॉट को, जो हमारे हीट एनर्जी को वॉट में नहीं गीगा वॉट में ट्रांसफ़र करती है। तो फिर हम लोग कार में कितना यूज़ करेंगे, किलो वॉट, ये जो बाकी बचेगा वो स्टोर होगा इसके अंदर कल के लिए। और ये सेम चीज़ अगर मैं घर में लगाऊँ, घर में सोलर पैनल्स लगे मेरे, तो सोलर पैनल लगने के बाद इसके वॉट यूज़ करूँगा सिर्फ मैं, जो बचा एक पावर हाउस में स्टोर करता हूँ। ये पावर हाउस ऐसा है कि 1 साल तक ये सिटी को बैकअप देगा।
ये जो डिवाइस है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर हम क्लैप करते हैं तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इसमें जो सेंसर्स है उसके मदद से और कन्वर्टर्स की मदद से उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं उसे तभी के तभी यूज़ करें तो हम उसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसको हम लोग स्टोर करें तो हमें बस एक डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसमें वो स्टोर कर सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन आजकल बढ़ता ही जा रहा है तो उसे कम करने के लिए और उसका यूज़ करने के लिए ये डिवाइस बहुत अच्छा है। माझं नाव मोहित कुंभार। माझं नाव सिद्धेश पाटील। आम्ही उल्हास विद्यालय शाळेतून आलोय। आपला ही सावित्री नदी आणि हा मानसरी आज ब्रिज जो 1928 साली बनवण्यात आला होता, 2016 जो ॲक्सिडेंट झाला त्यामध्ये कित्येक जणांचे प्राण गेले कारण की तिथे तात्कालीन सुरक्षा आपत्कालीन सुरक्षा नव्हती। ती सुरक्षा कशी करता येईल नवीन ब्रिजवरती, त्यासाठी आम्ही हा प्रोजेक्ट केला आहे। ही वायर आहे ब्रिजच्या खालून गेलेली आहे। ब्रिजचा कोणता पण हिस्सा किंवा भाग पळ कोसळला तर ही वायर तुटेल, त्यामुळे फाटक बंद होते आणि रेड लाईट जळेल। एक तुम्हाला डेमो करून दाखवतो। ही इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहे। ही वायर जर ब्रिज कोसळला तर ही वायर तुटेल। ही तुटल्यामुळे फाटक बंद होईल आणि लाईट जळेल, म्हणजे येणारी वाहतूक सुरक्षित राहील व अपघात टळू शकेल, यासाठी आम्ही हे प्रोजेक्ट केले। थँक्यू। माय सेल्फ वाघमारे विशाखा फ्रॉम सिंधू एज्युकेशन सोसायटी स्टँडर्ड 9। Good afternoon everyone, myself Sakshi Savan from Sindhu Education Society from Standard 10th. Our project is plastic recycling machine. As we all know that plastic has become a huge global problem nowadays and more than 50% of garbage is of plastic, which is very harmful for our environment. So it is need of an hour to implement the proper treatment of plastic for our safe environment. For this purpose, government had introduced this plastic recycling machine. This machine was introduced in India on 5th June 2016 as a part of World Environment Day under the Swachh Bharat Abhiyan. This machine crushes plastic bottles and small cans into such pieces. These pieces can be converted into fiber and also they can be useful in road construction. The user can select coupon for different food and retailing outlet after the bottle is accepted. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। असांजे शहर जलाए हां फखर जी गाल आहे त शिवसेना सभागृह नेता धनंजय बोडारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पारां सन्मान कयो वयो संदनजे राजनीतिक ए सामाजिक सेवा कारण लाए छा चवणा है इनते धनंजय बोडारे जो अचो बुधू। जिन ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर 150 साल पौने 200 साल राज किया था, उस ब्रिटेन को देखना एक 25-30 साल पहले खौप था, लेकिन वो एक खाली ब्रिटेन देखना खौप था। ब्रिटेन पार्लियामेंट में जाना तो अलग बात है। मेरा लड़का वहाँ मास्टर्स करने लंदन गया था, उसका कन्वोकेशन का प्रोग्राम था और उसी दौरान मेरे इंग्लैंड के कुछ दोस्त थे, उन्होंने यहाँ का जो सोशल और पॉलिटिकल काम है उन्होंने देखा था और उनको जानकारी था कि मैं उधर जाने वाला हूँ। तो 27 तारीख को उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पर इंडिया के केरला के एक सिंगर, एक आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, मैं, एक दुबई के लुलू मॉल के जो ओनर है वो, और एक ओमान के साजिद अली है, ऐसे 7 लोगों का सत्कार रखा था। उसमें से बेस्ट पॉलिटिशियंस और सोशल काम के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, जिसमें स्कॉटिश एमपी और क्रूडेंट के एमपी और वहाँ के एक फिलिप अब्राम करके एक मेयर हैं उनके हाथों सम्मान किया और ऑर्गेनाइज किया था त्रिवेंद्रम के रोटरी क्लब और लंदन के रोटरी क्लब ने। और ये बड़ी फख्र की बात है कि वो लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि उल्लासनगर क्या महाराष्ट्र से पहली बार हम लोग इस तरीके का सम्मान कर रहे हैं। और बेस्ट पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन अपने आप को नहीं मानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ करता, क्योंकि मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे और चंद्रकांत बोडारे का फॉलोअर हूँ, जिन्होंने हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया, प्रोत्साहन दिया है, पॉलिटिक्स कम, जहाँ पॉलिटिक्स कम ही करते क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पॉलिटिक्स मतलब गंदी राजनीति होते, जो लोगों के हित में जो काम है, चाहे वो डीपी का हो, चाहे शहर विकास का इतर कोई भी मुद्दा हो, वार्ड लेवल से ऊपर जाके हम काम करते हैं, फिर अनाथ बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए,
कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, शैक्षणिक सभी बातों में, और ये सब अच्छाई की नोंद कहीं ना कहीं होती है और उसका फल अच्छा ही मिलता है। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा पाओगे। ये प्रचार करने मैं नहीं गया था, लेकिन अपने आप वहाँ जो मिला, और ये नेशनल अवार्ड जैसा अवार्ड था, और सभी उल्लासनगर वासियों ने अभिनंदन किया और सभी ने एक भावना जताई कि हमारे उल्लासनगर के लिए फख्र की बात है। बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उल्लासनगर, हर उल्लासनगरवासी जो सम्मान हुआ है वो अपना सम्मान समझते, और इससे क्योंकि मैं वहाँ जाके उल्लासनगर के बारे में कि हमारे उल्लासनगर की परिस्थिति वहाँ के लोगों की बताया, और मैं फख्र से कहा कि हमारा उल्लासनगर को USA कहते हैं, जो लोगों ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। 1947 में जो पार्टिसिपेशन हुआ उसके बाद से हमारे उल्लासनगर को, तभी का वो बेबी है, लेकिन आज कई शहरों से ज़्यादा तरक्की इकोनॉमिकली हो हमारे उल्लासनगर किया है। उल्लासनगर मतलब USA, मतलब उस USA के साथ हम कॉम्पीट करते हैं और उस तरीके की हम क्षमता रखते या भावना रखते, इस तरीके की बात मैंने वहाँ रखी है। सभी उल्लासनगर वासियों ने अभिनंदन किया, उसके लिए हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारत सरकार जी एक नई विख मिशन इंद्रधनुष के हेठ सजे भारत देश में नंढड़न बारन के जरूरी टीकाकरण जी मुहिम हली रही है। मिशन इंद्रधनुष में पूरा 7 टीका कवर था थन, जेके बारन जे हेल्थ लाय ए बारन जी सेहत लाय जरूरी आहिन। इन्हीं संदर्भ में असांजे शहर उल्लासनगर महानगर पालिका जे पारा केतरनी सरकारी हॉस्पिटल में यह टीका मुफ्त मेसर कया वया हैं। तो तवांके अपील आहे तो पेंजे बारन के जरूरी महीने जे 17-14 तारीख जे विच में मुफ्त टीकाकरण लाय जरूर वठी वनु। हमारे परिवार में जन्मे नन्हे फरिश्तों से हमें अपने आने वाले कल और भविष्य की ढेर सारी खुशियां और सपने जोड़ रखे हैं। इन्हीं सपनों को और खुशियों को मजबूत बनाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इंद्रधनुष अभियान को अपनाएं। 5 साल तक 7 बार टीका लगाएं, एक भी टीका ना छूटे। आइए हर बच्चे को संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण जरूर करवाएं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक टीकाकरण कराना ना भूलें। याद रखें, 7 प्रकार की घातक बीमारियों से बचने के लिए जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराना अनिवार्य है। भविष्य आपका, सुरक्षा आपकी, टीकाकरण जरूर करवाएं। उल्लासनगर महानगर पालिका वेदकीय आरोग्य विभाग द्वारा जनहित में जारी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सिंधु नगर 5 में जनता जनार्दन ए स्वामी शांति प्रकाश ए टेऊराम आश्रम जे पारा सेवा या कार्य कया वेंदा आहिनि। इन्हीं सेवा कार्य में एक सेवा कार्य है इतना जे बुढ़ा आश्रम के हलण, जिते जुदा जुदा मानू पैंजू सेवाओं डेई वेंदा आहिनि ए बुढ़ड़न के संभालींदा भी आहिनि। पर केतरा ही मानू डिठो तो वने तो मिठाइयों ए तरल शयूं बुढ़ड़न के पहुंचाइन था। इन ही संदर्भ में इतना जे हर्ता करता डॉक्टर दयाल आशा जी एक अपील है जेका असा तवां जे सामूं जाहिर था कयूं। जनता जनार्दन परिषद तरफ़ा स्वामी शांति प्रकाश बुढ़ा आश्रम हली रो है, जैमें इन नवे बुढ़ा बुढ़ी रहन था। केतरा प्रेम किन के मन में दया भावना है, सेवा करने की भावना है, उसे भावर भेनर जुदा जुदा वक्त टोल खड़ी अच्छा, शयू खड़ी अच्छा, नाश्ता खड़ी अच्छा। उन्होंने वेनती है तो मेहरबानी करे बुढ़ा आश्रम के मैनेजर का पुछी उ शय खाराइन बुढ़न बुढ़न के जो अनुकूल हो प्रतिकूल न हो। बुढ़न के असि पापा मिठाई खाराइंदी पेड़ा खाराइंदी डायबिटीज में बधल है बुढ़न के दवान जो नवणो खर्च थी वो या गिह वाली शयू खाराइंदे गौर शयू खाराइंदे तो उहत के ख्याल का बुढ़ापे में ठीक ना। वेनती भावर के वेनती है
असा उनके भावना जो कदुर क्या मेवो खारा सूप खारा पपीतो खारा इलायची केला खारा गौरा खाधा न खारा डबल रोटी में वड़ा न खारा जैमें उनकी सेहत रहे ये असि वेनती है तो सेवा कर जी उनकी सेहत ठे सेहत के रहने वाला खाधा अस बुढ़न के न खारा वही मेहरबानी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अचो हाँ एक नज़र विझूँ शहर के आपराधिक गतिविधियों से यानी कि ऐसूँ असांजी क्राइम रिपोर्ट। उल्हासनगर दो परिसर में रविंद्र मोरे नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी दुश्मनी के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ संजय पवार और उसकी बहन द्वारा मारपीट की गई है। ये पूरा मामला उल्हासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324, 504 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्हासनगर एक शहाड़ फाटक परिसर से संजय झा नामक व्यक्ति के साथ चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है संबंधित व्यक्ति के साथ बीच रास्ते में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। ये पूरा मामला उल्हासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत अज्ञात चोर की खोज कर रही है। उल्हासनगर चार लालचक्की परिसर से आदित्य सोनोने नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है किसी अज्ञात चोर द्वारा संबंधित व्यक्ति के घर से कुल 1,00,000 रुपये की चोरी कर ली गई है। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 380 के तहत आगे की जाँच कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। त ही हो असो अज जो एपिसोड वधिक गतिविधियों लाइ ए न्यूज अपडेट्स लाइ डिसंदा रहो कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी कि पैंजो शहर पैंजो गालियों।